अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन जारोजस्ट वंस अगेन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें दैट्स मेंटेनेंस फंक्शन, जिसमें हम उसके मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन, इंजेशन, ठीक है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ टाइम वेस्ट ना किया जाए, डायरेक्ट उधर चले। लेकिन एक और बात है, वो तो मैं भूल जाता हूँ अक्सर, तुम लोग याद करवाते ही नहीं हो, वो ये है कि यार रजिस्टर और कॉपी पेंसिल साथ में उठाया हुआ है कि नहीं उठाया हुआ, ठीक है, तो साथ में ताकि लिखते रहें, जल्द से जल्द जो ना याद हो जाए। मैं मतलब एक दफ़ा मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इधर से आया, उधर से गया, इधर से आया, इधर से गया, ठीक है, जैसे भी है। चलो छोड़ो इस चीज़ को, चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मेंटेनेंस फंक्शन, ठीक है, इसमें सेफेलोकॉर्डेटा के मेंटेनेंस फंक्शन है, ठीक है। एंड अगर हम इसके इंजेक्शन की बात करें तो ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी कि ये क्या है, फिल्टर फीडर्स है, मतलब ये कि ये फूड को फिल्टर करके अपने माउथ में लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या होते हैं कि हमने ये भी बात कर, ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि वो क्या होते हैं कि पार्शली ब्रीड होते हैं, मोस्टली अंदर मतलब नीचे धंसे होते हैं, अपने बरोज बनाते हैं उसमें नीचे रहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने ऐसे बोला था, फॉर एग्जाम्पल ये वो लेयर है, ठीक है, और उसके नीचे मतलब ऐसे ही एक ब्रोज बना के ऐसे रहते हैं, ठीक है, और उस ब्रोज के ऊपर अपना सिर्फ इनका जो हेड होता है वो बाहर होता है, बाकी मतलब सारा अंदर ही होता है, ठीक है। तो अब सिलिया क्या करता है, ठीक है, पॉइंटेड माउथ अपवर्ड, ठीक है, पॉइंटेड, और इनका जो माउथ होता है वही सिर्फ बाहर होता है, बाकी सारा अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो सिलिया होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वाटर को अंदर की तरफ धकेलता है, ठीक है, धकेलने के बाद वो वाटर माउथ से कहाँ आता है, फेरेंक्स में आता है, फेरेंक्स से फ्रेंजियल सिलिक्स में, फ्रेंजियल सिलिक्स से वो एट्रियम में, एट्रियम से फिर वो एट्रियोपोर के जरिए बाहर चला जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई है, ठीक है, कि कैसे मैं यहाँ डायग्राम शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये देखें, ये ऐसे बाहर सिलिया मौजूद होते हैं, सिलिया के जरिए ये वाटर माउथ, ये माउथ में, ठीक है, माउथ से वो फेरेंक्स में, ठीक है, फेरेंक्स से वो एट्रियम में, ये जो ये वाली कैविटी नहीं है बाहर वाली, ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे है ना, तो ये अंदर फेरेंक्स है, बाकी जो बाहर वाली कैविटी है वो ये एट्रियम है, ठीक है। एट्रियम से फिर जो ना एक पोर मौजूद होता है, ऐसे समझो वो पोर क्या होता है, एट्रियो पोर होता है, ठीक है। तो ये बाहर वाला क्या है, सिलिया वगैरह, ठीक है, सिलिया क्या करता है, वाटर को माउथ में लेके आता है, माउथ से फिर वो फेरेंक्स में, ठीक है, फेरेंक्स से मतलब फेरेंक्स का ही रीजन है, उसमें क्या मौजूद होता है, फेरेंजियल सिलिक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ फेरेंजियल सिलिक्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो वो फेरेंजियल सिलिक्स से जो ना फिर वो माउथ कहाँ आता है, एट्रियम में, एट्रियम से फिर वो एट्रियोपोर के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद इनमें जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो इनिशियली कहाँ स्टोर किए जाते हैं, उस सिराई में स्टोर किए जाते हैं। सिराई मतलब ये कि ये वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शंस होते हैं, तो उन्हीं प्रोजेक्शंस में फूड को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद जो है ना उसमें जो बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि वो अंदर ही नहीं जाते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो वो लार्ज पार्टिकल्स पहले मतलब कलेक्ट होते हैं माउथ के इर्द गिर्द, यानी उनके सिराई के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जमा होने के बाद मतलब ऐसे जैसे फूंक देते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स रिमूव बाय द कंट्रैक्शन ऑफ सिराई, ठीक है, कंट्रैक्ट, जैसे सिराई कंट्रैक्ट होता है सारे पीछे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल पार्टिकल्स कलेक्टेड, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि जिन्हें वो खा सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ठीक है, म्यूकस उनमें मतलब फिर म्यूकस की एडिशन होती है, ठीक है, म्यूकस सेक्रेट होता है, ठीक है। तो उसके बाद फूड कॉर्ड फॉर्म, और वो फूड कॉर्ड बना देते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो बना देते हैं, ठीक है। वही कार्ड एक्चुअली फिर क्या होता है कि जो रिंग ऑफ सिलिया होते हैं वो रोटेट करते हैं, और जो फूड कार्ड होता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बोलस, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है कि फ्रंट मूव करता है, आगे डिसलॉज का मतलब होता है आगे चलना, ठीक है, मूव हो जाना। तो वो जो रिंग ऑफ सिलिया वो रोटेट होते हैं, जो फूड कार्ड होता है वो आगे चला जाता है, मूव करता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन, इनमें इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है। इस चीज़ से आप भी वाकिफ हो गए, व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड व्हाट इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है।
तो जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसमें ये होता है कि जो फूड की डाइजेशन होती है वो विद इन द सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है उसमें ये होता है कि जो फूड की डाइजेशन है वो सेल के बाहर, ठीक है, हो सकता है कि जो ऐसा समझो कि वो सिलोम है, सिलोम के अंदर हो या एलिमेंट्री कनाल के अंदर डाइजेशन हो, ठीक है। तो उसके बाद मिडगट सीकम सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, आप देखो इनके इस साइड पे, ठीक है, यहाँ नजर आ रहा होगा, ठीक है, नजर आ रहा होगा कि ये देखें जो इस साइड पे तकरीबन इधर ये मिडगट सीकम मौजूद होता है जिसे हम डाइवर्टिकुला ऑफ गट भी कहते हैं, ठीक है, जो फेरिंग्स के इस साइड पे वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्शन है, आउटग्रोथ प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडगट सीकम भी कहते हैं, ठीक है। यही मिडगट सीकम एक्चुअली क्या सेक्रेट करता है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम सेक्रेट करता है, वो एंजाइम किस में इन्वॉल्व होते हैं, उस डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनएस इज प्रेजेंट ऑन द लिफ साइड, अब देखो एनएस जो ना, ये देखो फॉर एग्जांपल ये उनका क्या था टेल, तो टेल के इस साइड पे, ठीक है, अब ये इधर ऐसे कॉडल फिन्स मौजूद होते हैं वेंट्रल साइड पे, ठीक है, वेंट्रल फिन्स हैं, ठीक है, सॉरी कॉडल, कॉडल तो पीछे होते हैं, टेल कॉडल फिन्स, टेल वाले फिन्स को बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे इनके फिन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम वेंट्रल फिन्स कहते हैं नीचे वाली साइड पे। तो उसके पीछे इस साइड पे क्या मौजूद होता है, एनएस मौजूद होता है, ठीक है, इससे मतलब देखना बहुत इतना ज्यादा गौर से अच्छा नहीं बना हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो इनमें कोई ट्रू हार्ट नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा कोई हार्ट नहीं होता जैसा कि हमारा है, ठीक है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, वेल डेवलप्ड हार्ट है, तो इन बेचारों का ऐसा कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं होता, हार्ट ही नहीं होता। लेकिन अलबत्ता तो देखो जैसे मतलब ये उनकी बॉडी है तो इसमें ये ऐसे वेसल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो वेसल्स होते हैं तो यही वेसल्स एक्चुअली ऐसे फार ऐसे ये एक वेसल ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये वेसल जैसे ब्लड आता है तो उसे यू पंप करते हैं, ठीक है, ऐसे पंप करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्टाइल वेव्स ऑफ बॉडी वॉल पंप्स द ब्लड, ठीक है, वही जो ना बॉडी जैसे कंट्रैक्ट होता है ना तो उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैसे कंट्रैक्ट, मतलब उनमें उनकी पंपिंग होती है, ठीक है, वो ऐसे करते हैं, मोशन शो करते हैं, कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्ट मोशन शो करते हैं, तो ब्लड क्या होता है ऐसे पंप होता रहता है, ठीक है। उसके बाद उनमें अमीबॉइड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा अगर हम इनकी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल की बात करें, ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल फॉर एग्जांपल ये जो यही इसी को ले लें, ठीक है, ये क्या ब्लड इसमें मतलब ब्लड मौजूद है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इनके इस साइड पे या ऐसे समझ लो, ठीक है, ये क्या मौजूद है, ऐसे एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल मौजूद है। अब जो इस ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल डिफ्यूजन के जरिए इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में आ जाता है, ठीक है, डिफ्यूजन के जरिए वो जो वेस्ट मटेरियल है वो इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सिलोम इज रिड्यूस्ड, अब इनमें जो सिलोम होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, एंड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, टू द कनाल्स, और छोटे छोटे कनाल्स में डिवाइड हो जाता है, किसके करीब, गिल बाज के करीब, ठीक है, एंडोस्टाइल और गोनेड्स के पास जाके मतलब जो छोटे छोटे कनाल्स में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है, कनाल में डेवलप, छोटे छोटे कनाल में डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन डाइशियस है, मतलब इसमें कि मेल एंड फीमेल दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो बाकी ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, अब इतनी हायर क्लास है कि हाँ अब जो गुनेड्स होते हैं, ठीक है, एक मेल गुनेड, फीमेल गुनेड, ठीक है, गुनेड से फिर जो ना गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म, एग्स, अप टू स्वान, ठीक है, ये तो चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डाइशियस होते हैं, ठीक है, डाइशियस होने के बाद इनके जो गुनेड्स होते हैं, ठीक है, बल्ज इनटू द एट्रियम, ठीक है। अब जो गुनेड्स बल्ज इनटू द एट्रियम, ठीक है, तो मतलब इनके जो गुनेड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, सॉरी मैं जरा दोबारा इसको बता दूँ, ठीक है, इनके जो गुनेड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब ये बल्ज होते हैं, ठीक है, यहाँ मतलब ऐसे उभार टाइप के मतलब इधर बने होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे तो इन्हीं गुनेड्स से एक्चुअली गैमेट्स शेड ऑफ होते हैं, मतलब ये गैमेट्स रिलीज होते हैं, मेल या फीमेल गैमेट्स, उस एनिमल की कंडीशन पर डिपेंड
डिटरमाइन करता है कि वो किस टाइप का एनिमल है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। उस हिसाब से ठीक है वो क्या होंगे, गैमेट्स रिलीज होंगे, और वही गैमेट्स किस में आएंगे, एट्रियम में आएंगे। अब एट्रियम के बाद वही जो गैमेट्स थे वो वाटर से बाहर रिलीज हो जाएंगे, अब बाहर सॉरी यहाँ एट्रियोपोर के जरिए बाहर निकल जाएंगे, मतलब वाटर में जाएंगे, या जो बाहर जाएंगे वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो लार्वा बनेगा वो क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री, मतलब बायलेटरल सिमेट्री सिमेट्रिकल लार्वा होगा, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा लार्वा जिसमें जो सिमेट्री है ठीक है वो बायलेटरल होती है, और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब यही होता है कि जो उस एनिमल को किसी वन किसी सिंगल प्लेन से मतलब काटा जा सकता है, ठीक है, और दो मुकम्मल हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीली स्विमिंग लार्वा होता है ठीक है यही ठीक है, तो वो क्या करता है कि बाद में जब वो एडल्ट में तब्दील होता है तो मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के जरिए वो जो लार्वा है वो किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में मतलब तब्दील होता है, ठीक है। और उसके बाद वो लार्वा जो एडल्ट बना है ठीक है वो क्या करता है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाके क्या करता है, सर्वाइव करता है, ठीक है, मतलब जो सबस्ट्रेट पे जाके अटैच होगा, ठीक है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस वगैरह कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। और तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफ़।